वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ तथा वायुमंडल के निचले स्तरों में पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरने के साथ अच्छी बारिश भी हुई है। बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ फसल को काट कर खेत में रखा गया है, कुछ फसल पक गए हैं और उन्हें काटने की तैयारी है। इस तरह बारिश से फसलें खराब हो रही है। बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से फसल खराब हो रही है, जिसके चलते अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बूंदी में हुई ओलावृष्टि से फसल बर्बादी का जायजा लिया। उनका कहना था कि आए दिन ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिसको लेकर भी प्रयास किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के इस दौर के दौरान बूंदी के अपखंड अधिकारी सहित कृषि अधिकारी विधायक अशोक प्रधान भी मौजूद रहे। इलाके के किसान गेहूं की खेत में खड़ी फसल को लेकर चिंतित है। लगातार हो रही बारिश से फसल को भारी नुकसान की आशंका है। फसलें आड़ी गिर गई हैं, गेहूं की बाली भी खराब हो गई है।